बात करेंगे राजधानी देहरादून की, जहां पर मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्व अनुमान जारी किया है। उन्होंने 24 से 48 घंटों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासकर उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के अंदर के जिलों में बारिश होने का अनुमान है। साथ ही कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले एक या दो दिनों तक कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के अंदर के जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज होने की आशंका है। हालांकि मैदानी इलाकों में बादल छाए हुए हैं। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज आपकी 4 तारीख दिसंबर की है और ये पोस्ट मानसून सीजन हमारा चल ही रहा है। ओवरऑल अभी तक अगर सीजन की बात करें, आज की डेट तक तो जो बारिश है उसमें 38% की कमी है, -38% चल रहा है। और इसी तरह तापमान का भी देखें तो इस समय अगर मैं बात करूं पिछले वीक से करीब करीब जो है, तो जो तापमान है जो 27-28 में कम हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा जब धूप निकलनी शुरू हुई तो वो आपस में बढ़ने शुरू हो गए थे और सामान्य सुपर ही वो आगे करीब करीब 2 से 3 डिग्री तक, खासकर मैदानी क्षेत्र में, तो वो वहाँ पर थोड़े ज़्यादा हैं। लेकिन पहाड़ों में देख रहे हैं तो वहाँ पर करीब करीब सामान्य या उससे भी 1-2 डिग्री तक नीचे है सामान्य। इसके साथ अब देखें, आज 4 तारीख आपकी है दिसंबर की, तो आज आप देखें कुछ बादल छाए हुए हैं और थोड़ी बहुत अगर पास्ट 24 आवर्स की बात करें तो उसमें रेनफॉल एक्टिविटी कुमाऊं रीजन में हमको कुछ जगहों तक में हल्की, बहुत हल्की जो बारिश की एक्टिविटी वो मिली।